साथियों, पार्लियामेंट जितना प्रोडक्टिव होगा देश उतना प्रोग्रेसिव होगा। और इसलिए मैं जब यूथ पार्लियामेंट में आया हूं, हम क्या कर रहे हैं इसका जरा हिसाब भी देना चाहता हूं। और देश को पता होना चाहिए जिन एमपी को आप जिता करके भेजते हो कर क्या रहा है, पार्लियामेंट क्या कर रही है, पूछना तो नौजवानों ने पूछना चाहिए। देखिए, 16वीं लोकसभा का उदाहरण देता हूं, एवरेज प्रोडक्टिविटी 85%, करीब करीब 205 बिल पास किए गए और 15वीं लोकसभा की तुलना में 16वीं लोकसभा ने 20% काम ज्यादा किया। लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, अगर मोदी है तो फिर 20 से नहीं चलता है, 200 होना चाहिए। अब ये लोकसभा देश की जनता ने 30 साल के बाद एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुन करके भेजा, उसका नतीजा है कि ये 20% भी प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाए, देश के टैक्सपेयर के पैसों का सही उपयोग हुआ और समय रहते हुए देश के लिए जरूरी वहां नीति निर्धारण हुआ। लेकिन राज्यसभा में क्या हुआ? अब राज्यसभा तो एल्डर्स का हाउस है, तपस्वी, तेजस्वी, वयोवृद्ध, तपोवृद्ध, वो बहुत ठंडे दिमाग से अच्छे ढंग से ये चुन करके आए लोग हैं, करते तो जरा उनको समझाए, ये नहीं है ना, तो हो रहा है उल्टा। राज्यसभा का परफॉर्मेंस अभी जो लास्ट सत्र गया सिर्फ 8%। अगर प्रोडक्टिविटी 8% है ना, कितनी बड़ी चिंता का विषय है। आप एक काम करिए, अपने यहां जाकर के डिस्ट्रिक्ट में या दो चार डिस्ट्रिक्ट मिलाकर के राज्य का एक बड़ा सा युवा इवेंट कीजिए और आपके राज्य से जो राज्यसभा में गए हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी है, आपके राज्य के हितों को लेकर के राज्यसभा में अपनी भूमिका अदा करना उनका दायित्व है, उनको बुलाइए, चीफ गेस्ट के रूप में बुलाइए, बढ़िया माला वाला पहनाइए अच्छे से अच्छे शाल उड़ाइए, बढ़िया से बढ़िया चेयर रखिए, फिर उनको रिक्वेस्ट कीजिए थोड़ा क्वेश्चन आंसर करेंगे और फिर पूछिए क्या किया, जवाब मांगिए, तभी जाकर के देश में दबाव पैदा होगा। और यह भी लोकतंत्र है, यह अलोकतांत्रिक व्यवस्था मैं नहीं बता रहा। और मैं ये भी नहीं कहता हूं एक पार्टी के, किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, राज्यसभा के सबको बुलाओ, अपने राज्य के लोगों को, क्या किया आपने। यानी देखिए, एक में से कैसी दूसरी शक्ति तैयार होगी। और इसलिए मैं चाहता हूं कि इस काम अधिक लाभ करे।